टॉपिक आपका चल रहा है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। इन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन आई हैव कंप्लीटेड कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज। इफ वी हैव अ एडल्ट डोज वी कैन कैलकुलेट दी चाइल्ड डोज बाय यूजिंग द डिफरेंट फार्मूला। नेक्स्ट था परसेंट डायल्यूशन। इन डायल्यूशन आई टोल्ड यू परसेंट मीन्स वेट बाई वेट मीन्स ग्राम इन ग्राम एंड वेट बाई वॉल्यूम मीन्स ग्राम इन ml। तो परसेंट का मतलब होता है जैसे कि सपोज 1% मीन्स 1 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन और 1% वेट बाई वॉल्यूम मीन्स 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। आफ्टर दैट वी हैव कम्प्लीटेड या और वी टोल्ड आई टोल्ड यू अबाउट द एलिगेशन मैथड। इन एलिगेशन मैथड इफ वी हैव अ टू सिमिलर प्रिपरेशन हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ टू बी मिक्सड टूगेदर टू प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट कंसनट्रेशन देन वी कैन यूज़ द एलिगेशन मैथड। अगर हमारे पास एक ही प्रिपरेशन की या दो एक ही प्रिपरेशन की कई कंसनट्रेशन है मीन जैसे सपोज वाटर है, वाटर की मान लीजिए हमारे पास कई कंसनट्रेशन है 10% 20% 30% लाइक दिस। तो उससे अगर हमको कोई इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन मान लीजिए 15% बनानी है तो उस टाइम पे हम एलिगेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन है आपकी प्रूफ स्प्रिट। तो इन प्रूफ स्प्रिट हमने आपको थोड़ा सा उसमें हिंट दिया था। प्रूफ स्प्रिट होती क्या है, इन USA 50% वाई वॉल्यूम इथेनॉल इज कंसिडर्ड टू बी 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रिट एंड इन इंडिया 57.1% बाई वॉल्यूम इथेनॉल इज कंसिडर्ड टू बी 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रिट। ठीक है ना, एनी स्ट्रेंथ एव अ प्रूफ स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज ओवर प्रूफ एंड एनी स्ट्रेंथ बिलो प्रूफ स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज अंडर प्रूफ। तो यहाँ पे जो USA में था 50% जो आपकी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल था होता है उस दैट इज कंसिडर्ड टू बी 100 प्रूफ स्प्रिट और इन इंडिया 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथेनॉल इज कंसीडर्ड टू बी 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रिट। तो अगर 100 वॉल्यूम से अगर आपकी कोई ऊपर नीचे है मान लीजिए ज़्यादा है तो आपका ओवर प्रूफ होगा और अगर वो कम है तो वो अंडर प्रूफ होगा। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशन में आप दो तरीके कैलकुलेशन आती है, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू प्रूफ स्ट्रेंथ और प्रूफ स्ट्रेंथ इनटू परसेंटेज। तो हमने सबसे पहला एग्जांपल जो लिया हुआ है वो है आपका कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू प्रूफ स्ट्रेंथ। तो ये सबसे पहला एग्जांपल है, कन्वर्ट 90% एल्कोहल इनटू द प्रूफ स्प्रिट। तो एज वी नो 57.1% एल्कोहल करिस्पॉन्ड टू द 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रिट। तो हम यहाँ पे एक एक नियम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इज करेस्पॉन्ड टू द 100 प्रूफ स्प्रिट, इसलिए 1% 100 डिवाइड बाय 57.1 इसलिए 90%, 100 इंटू 90 डिवाइड बाय 57.1%। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट आंसर अबाउट 157.61 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रिट। तो यहाँ देखने से ही लग रहा है कि जो है ये 100 से ज़्यादा है तो ये ओवर प्रूफ है। अब ओवर प्रूफ कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए आप, द प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ 90% एल्कोहल इक्वल टू 157.161 माइनस 100 कर देंगे तो आपको ये ओवर प्रूफ पता चल जाएगा। ये दिख रहा है 57.61 ओवर प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, कन्वर्ट 30% ऑफ एल्कोहल इंटू प्रूफ स्ट्रेंथ। तो वैसे ही 57.1% करस्पॉन्ड टू द 100 वॉल्यूम इसलिए 1% इसलिए 30% आपका 100 इंटू 30 डिवाइड बाई 57.1 ये कर दिया आपने तो आपको मिल गया 52.53 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्ट्रेंथ। अब कितना ये जैसे कि 52 आ रहा तो ये ओवर प्रूफ है अंडर प्रूफ है, तो जैसे कि 100 से कम है तो ये अंडर प्रूफ है तो इसको आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो ये 100 माइनस 52.53 47.47 ये अंडर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो है आपका कन्वर्जन ऑफ प्रूफ स्ट्रेंथ इनटू परसेंटेज। तो इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले को लगा करके आप तुरंत इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है ये, जैसे आपके पास परसेंटेज ओवर प्रूफ को कन्वर्ट करना है
प्रूफ स्ट्रेंथ में या परसेंटेज ओवर प्रूफ को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज ओवर प्रूफ आपको दिए रहेगा, उसके लिए फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, परसेंटेज ओवर प्रूफ इज इक्वल टू 100 प्लस ओवर प्रूफ अपॉन 1.751। अब ये 1.751 कैसे आया, जैसे कि 57.1% करेस्पॉन्ड टू द 100 वैल्यू, इसलिए 1% इज करेस्पॉन्ड टू द 100 डिवाइड बाई 57.1, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 1.751, ठीक है ना। तो वहीं से आया है ये 100 डिवाइड बाई 57.1, ठीक है। तो अगर परसेंटेज ओवर प्रूफ है तो आपको 100 प्लस ओवर प्रूफ अपॉन 1.751 लगाना है, और परसेंटेज अंडर प्रूफ है तो ये 100 माइनस अंडर प्रूफ अपॉन 1.751 लगाना है, ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। अब यही दो चीज़ आपसे पूछा जाएगा, या तो ओवर प्रूफ रहेगा या तो अंडर प्रूफ, उसको परसेंट में कन्वर्ट करिए आप। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए, आपका फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया हुआ है, व्हाट परसेंट स्ट्रेंथ करस्पॉन्ड टू द 40% ओवर प्रूफ एंड 50% अंडर प्रूफ। तो यहाँ पे फार्मूला आप लगा दीजिए, जैसे इसके लिए 40% ओवर प्रूफ है तो परसेंट ओवर प्रूफ इज इक्वल टू 100 प्लस ओवर प्रूफ डिवाइड बाई 1.751, तो ये 100 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 1.751, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर ये मिलेगा 79.95%, ये आपको परसेंट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो है आपका अंडर प्रूफ है, तो फॉर 50% अंडर प्रूफ इज इक्वल टू 100 माइनस, ये देखिए 100 माइनस अंडर प्रूफ अपॉन 1.751, फार्मूले में पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा ये 28.55। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा सारा कुछ। इसके बाद जो है हमने कुछ आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप सॉल्व करिए, अगर इसमें इसका आंसर जब हम मांगेंगे तो आप लोग उसको अपलोड करिएगा, और इसमें जो नहीं समझ में आता उसको आप अपना क्वेश्चन भी हमारे उस पर डाल सकते हैं क्लासरूम में, हम उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो एब्रीविएशन एक टॉपिक हमने दिया हुआ है, उसमें कुछ एब्रीविएशंस आते हैं 2 या 3 नंबर के, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसमें आपको शॉर्ट टर्म दिया रहेगा, उसका ट्रांसलेशन पूछता है, तो ट्रांसलेशन और शॉर्ट टर्म और उसका एब्रीविएशन, ये तीनों चीज़ें देख के जाइएगा, इसमें 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक है आइसोटोनिक सोल्यूशन, और इसके बाद इमल्सन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन हम इसको अभी शुरू करेंगे, तो अभी आप लोग ये कैलकुलेशन देखिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन।